हेलो फ्रेंड्स, आज मैं मैंगो आइसक्रीम बनाने जा रही हूँ, जिसके लिए हमको दो दशहरी आम चाहिए, दो केले, दो चम्मच मलाई और एक सर्विंग स्पून चीनी। अब हम मैंगो का पल्प निकाल लेंगे। मैंगो को हम अच्छे से हाथों से ऐसे करके सॉफ्ट कर लें, बिल्कुल मुलायम कर लें। ये देखिए, बिल्कुल मुलायम हो गया है। अब इसका ऊपर का हिस्सा हम कट कर लेंगे। और हम इसमें से अब ये फल ऐसे निकाल लेंगे। ध्यान रखें कि ऊपर से ये छिलका कटे ना। धीरे धीरे हाथों से इसका पल्प निकाल लेंगे गुठली के साथ। ये देखिए कितने अच्छे से निकल आया है और ये बिल्कुल खाली हो गया है। ये देखिए, दोनों आम का पल्प निकाल लिया हमने, इसमें गुठली भी है। गुठली को हम चाकू की सहायता से साफ कर लेंगे, उसका गूदा उतार लेंगे। ये देखिए पल्प निकाल लिया हमने। मिक्सी के जार में हम इस पल्प को डाल देंगे। और केले भी डाल देंगे। मलाई, इन सब को अच्छे से मिक्सी में हम पीस लेंगे। ये देखिए कितना स्मूथ पेस्ट इसका बन गया है मटेरियल। अब हम इसको चम्मच की सहायता से आम के अंदर भर देंगे, पूरा फिल कर देंगे अच्छे से, दोनों आम के अंदर इसको डाल देंगे। ये देखिए मैंने पूरा फिल कर दिया है। अब इसका ऊपर का हिस्सा जो हमने काटा था वो हम इसके ऊपर लगा के इसको एक कप के अंदर रख देंगे, क्योंकि हम ऐसे रखेंगे तो ये गिर सकता है कप के अंदर, ये एज इट इज जम जाएगा। ये देखिए, अब मैं इनको दोनों को फ्रीजर में रखने जा रही हूँ। 4 घंटे बाद आप इसे या 5 घंटे बाद आप निकाल लीजिए। ये देखिए मैंने फ्रीजर से कप निकाल लिए हैं, आइसक्रीम बिल्कुल जम गई है। अब इसको हम कप में से निकाल लेंगे। ये देखिए बिल्कुल अच्छे से जम गया है। अब हम इसको चाकू की सहायता से काट लेंगे। ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है, बिल्कुल मार्केट में जो सचमुच आइसक्रीम मिलती है वही फ्लेवर आता है इसका। आपको अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।